हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज मैं आपको बताऊंगा IBPS RRB PO और क्लर्क नोटिफिकेशन के बारे में। IBPS RRB PO और क्लर्क 2021 एग्जाम नोटिफिकेशन आ गई है, तो इसकी PDF टेलीग्राम चैनल एनीथिंग लर्न 2427 पर देख सकते हो। इसकी PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलो तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको और बताऊंगा। इस एग्ज़ाम की ऑनलाइन जो डेट्स हैं यह आपको देखने को मिलेंगी, स्क्रीनशॉट दिया हुआ है और इसका स्क्रीनशॉट मैंने आप टेलीग्राम चैनल जो है हमारा एनीथिंग लर्न 2427 यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है यह 8/6/2021 यानी कल से, और इसकी लास्ट डेट है 28/6/2021 और इसकी पेमेंट डेट जो है 8/6/2021 और इसकी लास्ट डेट है पेमेंट डेट की वो भी है 28/6/2021। इसका डाउनलोड कॉल लेटर है प्री वाली जो एग्ज़ाम है उसका डेट दी हुई है जो कि है 9/7/2021। उसके बाद उसकी प्री वाली एग्ज़ाम जो डेट है उसका एडमिट कार्ड जो आने वाला है जुलाई या फिर अगस्त में आएगा। उसका रिजल्ट जो है प्री एग्ज़ाम का वो सितंबर में आने वाला है, ऐसा दिया हुआ है डेट्स यहाँ पे, आपके यहाँ पे देख रहे होंगे। उसका मेन एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका डेट दिया हुआ है सितंबर महीने में या फिर अक्टूबर महीने में हो सकता है। और इसका मेन एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर डाउनलोड आपको करना पड़ेगा वो सितंबर महीने में आ सकता है। और मेन एग्ज़ाम का जो फिर इसका रिजल्ट जो है दिया हुआ है मंथ अक्टूबर महीने में आ सकता है। उसके बाद इसका कॉल लेटर जो है इंटरव्यू के लिए डाउनलोड आपको करना पड़ेगा वो भी अक्टूबर या फिर नवंबर में दिया हुआ है और आ सकता है ये। उसके बाद जो इंटरव्यू के लिए जो एलिजिबल होंगे कैंडिडेट्स उनके लिए भी डेट्स दिए हुए हैं, मंथ दिया हुआ है वो अक्टूबर या नवंबर हो सकता है। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट जो कोई सिलेक्शन हुआ है होंगे प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर पीओ और क्लर्क पोस्ट के लिए वो डिस्प्ले होने वाला है जनवरी 2022 में। तो पीओ के लिए आपको कोई भी डिग्री या फिर ग्रेजुएशन चाहिए कोई भी फील्ड में तो आप पीओ जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल रह सकते हो। उसके बाद जो क्लर्क पोस्ट है उसके लिए भी आप कोई भी डिग्री या फिर ग्रेजुएशन कोई भी फील्ड में कोई भी क्षेत्र में आपका अगर पास हुआ होगा तो वो भी एलिजिबल है इसके लिए। और इसके लिए जो एग्ज़ाम फी है पीओ के लिए SC ST और PW जो कैंडिडेट रहते हैं उनके लिए 175 रुपये है पीओ ही एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जो अदर कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 850 रुपये है। और जो क्लर्क पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए एग्ज़ाम फी जो है SC ST कैंडिडेट के लिए और PW जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 175 रुपये है। उसके बाद जो ऑल अदर जो कैंडिडेट होते हैं अदर कैटेगरी के लिए उनके लिए क्लर्क एग्ज़ाम पोस्ट के लिए 850 रुपये है। अगर आप कोई भी एक पोस्ट के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हो, पीओ के लिए एक दो या तीन ऐसे डिवीज़न करके दिए हैं तो यहाँ इन तीनों में से कोई भी एक पिक आप पोस्ट फिल कर सकते हो, साथ में आप क्लर्क के लिए भी फिल कर सकते हो, लेकिन ये अपने आप खुद के रिस्क पे आप ये फॉर्म फिल करें। और मेरा सजेशन है कि आप दोनों में से कोई भी या फिर पीओ के लिए या फिर क्लर्क के लिए इस कोई भी एक पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरें ताकि आपका कोई डेट्स एक साथ मिक्स ना हो। इस पोस्ट की वैकेंसी के आपको देखने के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप अपनी PDF डाउनलोड करेंगे वहाँ से आपको ये जो वैकेंसी है आपको वहाँ से देखना पड़ेगा और आपके रीजन वाइज आपको वैकेंसी दी हुई है। और आपको IBPS RRB जो PO कल एग्ज़ाम का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है यह देखना है तो इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब या फिर शेयर ज़रूर करें।
आप वीडियो को देख सके जो मैं आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ, कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं। तो वीडियो को पसंद आया होगा तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन आया है उसे प्रेस करना ना भूले, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। बस इस वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो देखने के लिए आप कैसे हम ARRB IBPS का फॉर्म कैसे भरना है, अगर ये देखना चाहते हो तो इस वीडियो को फिर से एक बार बोलता रहूँ, सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आप अगले वीडियो को देख सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।